माँ और पिताश्री दोनों एक दूसरे के समक्ष आ गए। हट जाइए मेरे मार्ग से, मैं मात्र अपने वरदान की रक्षा करना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे कोई भी संघर्ष स्वीकार है। अनेकों मनुष्यों को बंदी बनाते बनाते दारुक और दारुका ने एक दिवस एक ऐसे महाशिव भक्त को बंदी बना लिया, जिसकी शिव भक्ति के प्रभाव में दारुका और उसके असुर सहित संपूर्ण द्वीप को ही आंदोलित कर दिया। ये भूकंप बन गया, पीछे हटो, पीछे हटो, अपनी 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 रक्षा करो, दारुका रक्षा से संभाल। प्रभु, मुझे विश्वास था कि आप अवश्य आएंगे। पुत्र सुग्रीव, मैं अपने भक्तों के लिए सदा प्रस्तुत होता हूं, मैं तुम्हारी प्रार्थना व्यर्थ नहीं होने दूंगा। वाह वाह, क्या भक्ति है शिव भक्त की। भक्त ने भगवान का आह्वान किया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान प्रकट भी हो गए। वाह प्रभु, अब आप आ ही गए हैं तो आपका आदर सत्कार किया जाएगा। भाई आइए, अब आसन ग्रहण की जाइए, आसन ग्रहण की जाइए। यहाँ नहीं, यहाँ का अधिपति मैं हूँ प्रभु। आप भगवान होंगे कैलाश के, अपने भक्तों की रक्षा आप कैलाश पे कर सकते हैं, मगर यहाँ यहाँ जीवन और मृत्यु का निर्णय मैं लेता हूँ प्रभु। तो आज आयोजन किया जा रहा है आपके भक्त की मृत्यु का, आप क्या करेंगे, यहीं कहीं बैठकर आप इस कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं, मगर आप इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते प्रभु, वरना परिणाम बहुत ही बुरा होगा। अरे तुम खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, प्रवचन सुन रहे हो क्या? महादेव कुछ नहीं करेंगे, मेरी पत्नी को मां आदिशक्ति का वरदान है और हम सब असुर मेरी पत्नी दारुका के वरदान से रक्षित हैं। कुछ नहीं होगा, मारो। क्या हो गया दारुका, देखो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर 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 महादेव। दारुक, दीर्घ अवधि से तुम निर्दोष जीवों को बंदी बनाकर उन्हें प्रताड़ित कर रहे हो, किंतु अब समय आ गया है तुम्हें तुम्हारे अपराधों का दंड प्राप्त हो। नहीं, ये उचित नहीं है। इस प्रकार तो महादेव हम सभी असुरों का वध कर देंगे। अब तुम्हारी बारी है दारुक, जब तक तुम जीवित रहोगे निर्दोष निर्बल असहाय लोगों को कष्ट ही दोगे, जो अब मैं और होने नहीं दूंगा, इसलिए अब तुम्हारा अंत ही उचित है। मेरा अंत होगा शिव के द्वारा, महादेव के द्वारा कैसे संभव है, मैं कैसे करूंगा अपनी रक्षा? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये कदापि नहीं होने दूंगी मैं। एक स्त्री पर अपने अस्त्र का प्रयोग नहीं कर सकता मैं। महादेव मुझे देखकर दुविधा में पड़ गए,
मेरी युक्ति सफल हो गई। महादेव, आप मेरे स्वामी का अंत करना चाहते हैं ना? तो कीजिए, कीजिए उनका अंत, दीजिए उन्हें दंड। किंतु उसके पूर्व आपको मुझे भी अपने मार्ग से हटाना होगा, मेरा भी अंत करना होगा। किंतु जब तक मैं जीवित हूँ, अपने स्वामी का कवच बनकर रहूंगी, उनकी रक्षा करूंगी। दारुका, तुम अपने पति की रक्षा के लिए वहां स्थित रहोगी, तो भी मैं तुम्हारे पति का वध करूंगा और तुम पर कोई आज तक नहीं आने दूंगा। नहीं, ऐसा कदापि नहीं करेंगे आप महादेव। स्थित रहने पर भी आप आगे बढ़ सकते हैं, किंतु अपनी पत्नी देवी आदि शक्ति के वचन और उनके कवच को भेद कर कैसे आगे बढ़ेंगे आप? देवी आदि शक्ति सही समय पर आ गई, सुरक्षित है। चलो अच्छा हुआ, देवी आदि शक्ति समय रहते आ तो गई, अब कुछ नहीं हो सकता मुझे, सुरक्षित हूं मैं। माँ और पिताश्री दोनों एक दूसरे के समक्ष आ गए। माता, दारुका ने तो आपकी आदि शक्ति के रूप को ही ढाल बना लिया, वो भी पिताश्री महादेव के विरुद्ध। हाँ। मैं अत्यंत दुखी थी उस दिवस, मेरी ही शक्ति मेरे ही स्वामी महादेव को रोकने में बाधा बन रही थी, अति हो रही थी, किंतु मैं भक्त को दिए गए वरदान के कारण विवश हो रही थी। माता आदि शक्ति दारुका और दारुक की रक्षा कर रही थी और महादेव का क्रोध अपने चरम पर था, अत्यंत भयंकर और विकट स्थिति थी वो। महादेव का एकमात्र लक्ष्य था उस असुर का अंत करना जो उनके भक्तों को कष्ट दे रहा था, और स्वयं माता आदिशक्ति उनके मार्ग में बाधा बनकर खड़ी थी, जिस कारण महादेव का क्रोध और भी तीव्र होता जा रहा था। महादेव, क्या 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 करेंगे आप? कैसी दुविधा में फंस गए? देखिए, मेरी पत्नी माँ आदिशक्ति की परम भक्त है और माँ आदिशक्ति ने स्वयं सुरक्षा कवच बना दिया। नहीं स्वामी, माँ दारुका, माँ अपना अस्त्र मत चलाइए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। स्वामी, यदि आपकी और मेरी शक्ति का टकराव हुआ तो ऐसा विध्वंस होगा जिससे सृष्टि नष्ट हो जाएगी। मैं विवश हूँ स्वामी, संतान की रक्षा तो मुझे करनी ही हो, फिर भले ही वो संतान भटकी हुई क्यों ना। नारी माँ है आप, इसलिए आपका भावनाओं के अतिरिक्त में बहना स्वाभाविक है, किंतु तनिक विचार कीजिए, क्या ये उचित है? आपके वरदान का आश्रय लेकर ये दोनों परजीवों के समान जीवन जिए, सभी को कष्ट पहुंचाएं, सभी को आहत करके उन्हें अपना आहार बनाएं, जो अन्य सभी को असुरक्षित कर उनकी रक्षा करने में आपको पीड़ा नहीं होती।
स्वामी, असुरों का तो ये स्वभाव है, उनसे और क्या अपेक्षा करते हैं आप? उनके आराध्य को कितनी भी पीड़ा पहुंचे, फिर भी वो वही करते हैं जो उनकी इच्छा होती है। उनकी तामसी प्रवृत्ति आपसे छिपी नहीं है स्वामी। दारुका की भक्ति ने मुझे विवश कर दिया है स्वामी। उसकी, उसके पति की और उसके असुर समुदाय की रक्षा तो मुझे करनी ही होगी। बस, बस, हट जाइए मेरे मार्ग, मेरे मार्ग। नहीं, कदापि नहीं स्वामी। मैंने कहा ना आपसे, हट जाइए। मैं ऐसा नहीं कर सकती स्वामी। वचन की मर्यादा रखना तो मैंने आप ही से सीखा। कुछ भी क्यों ना हो स्वामी, भगवान के द्वारा अपने भक्त को दिया गया वचन भंग नहीं हो सकता। अन्यथा भक्त का अपने भगवान से विश्वास ही उठ जाएगा, और यदि ऐसा हुआ तो संसार से भगवान का अस्तित्व ही मिट जाएगा। मुझे पाठ सिखाने का प्रयत्न मत कीजिए। मैं आपसे कह रहा हूं देवी, हट जाइए मेरे मार्ग से। नहीं स्वामी, मैंने दारुका को उसकी रक्षा करने का वचन दिया, तो क्या भगवान का उसके भक्त की रक्षा करना अनुचित? तो क्या अपने पति का विरोध करना अनुचित नहीं? अपने भक्त के उदाहरण से सीखिए आप। देखिए किस प्रकार अपनी निष्ठा से अपने पति की रक्षा कर रही है वो। स्वामी, आपके प्रति मेरा स्नेह, निष्ठा और समर्पण से आप भली भांति परिचित हैं। दोष मेरा नहीं, इस परिस्थिति का है। आप तो सदा अपने कर्तव्य के प्रति अडिग रहते हैं। क्या चाहते हैं आप, मैं अपने दायित्व को निभाने में असफल हो जाऊं? स्वामी, सत्य तो यह है कि हम दोनों एक ही, हमारे रूप ही भिन्न, इसीलिए आप अन्यथा ना समझिए। मैं यहाँ अपने भक्त की रक्षा करने आई। और मैं अपने भक्त की रक्षा की रक्षा करूं। किंतु यदि मैंने इस असुर को जीवित छोड़ा तो ये पुनः दुराचार में लिप्त होगा। तो ठीक है स्वामी, हम दोनों अपने अपने स्थान पर उचित हैं। आप अपना धर्म निभाइए और मैं अपने दिए हुए वचन को निभाती हूँ। महादेव, क्या देवी आदि शक्ति पर प्रहार करने वाले? यदि महादेव ने देवी आदि शक्ति पर चंद्रहास चला दिया तो वह माता से टकराकर ऐसा विस्फोट करेगा कि समस्त रचना नष्ट हो जाएगी। माता और महादेव के मध्य का यह टकराव सृष्टि के लिए संकट उत्पन्न कर रहा है। स्थिति में हम हस्तक्षेप करें भी तो कैसे? महादेव और माता ही शांत होकर इस संकट को दूर कर सकते हैं। स्वामी, मैं आपसे विनती करती हूँ, शांत हो जाइए। यदि आपने इनका वध किया तो मैं अपने कर्तव्य वहन में असफल हो जाऊंगी, इसीलिए शांत होकर इस परिस्थिति का कोई समाधान सोचिए स्वामी, क्योंकि ऐसा तो आप ही कर सकते हैं, क्योंकि देवाधिदेव महादेव हैं आप, और उससे भी अधिक मेरे स्वामी हैं आप।
शिव ने अपना अस्त्र झुका तो दिया तो क्या मैं सुरक्षित हो गया? अच्छा तो माता शांत हो गए थे ना पिताश्री, उन्होंने समस्या का कोई समाधान भी तो ढूंढ लिया होगा, है ना माता? मेरी उत्सुकता तो ये है कि पिताश्री ने ऐसा क्या समाधान ढूंढ लिया। तब मुझे भी ऐसा ही प्रतीत हुआ था कि महादेव ने शांत मन से समस्या का समाधान ढूंढ लिया है, किंतु नहीं, उन्होंने तो स्थिति और भी विकट कर दी। पिताश्री ने स्थिति और विकट कर दी? कैसे माता? किंतु पिताश्री ने तो अपना अस्त्र हटा लिया था और एक नया अस्त्र छोड़ दिया, शब्दों का। शब्दों से अधिक घातक कोई अन्य अस्त्र नहीं होता। अपने शब्दों से उन्होंने स्थिति में ऐसी जटिलता उत्पन्न की कि मुझे भी उनके विरुद्ध अपने शस्त्र उठाने पर विवश होना पड़ा। माता ने पिताश्री के विरुद्ध शस्त्र उठा लिया। दारुक, यदि आदि शक्ति तुम्हारी सहायक है तो मैं भी सुप्रिया जैसे सात्विक भक्तों के साथ खड़ा हूं। तो उचित है एक निर्दोष भक्त की रक्षा और उसकी सहायता हेतु आज मैं एक नवीन विधान की घोषणा करने जा रहा हूं। ये क्या कर रहे हैं स्वामी? और मैं घोषणा करता हूं, आज से तारुक वन में वही वास करेगा जिसके विचार सात्विक होंगे, जो यहां पर सात्विक विचारों का त्याग करेगा उसे या तो वन छोड़ना होगा अन्यथा उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसकी मृत्यु हो जाएगी। नहीं, ये उचित नहीं है। रक्षा कीजिए माँ, आप मुख दर्शन क्यों बनी हैं? माँ रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए माँ। अपनी शक्ति दिखाइए, रक्षा कीजिए माँ। माँ, मेरे सभी असुर मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। माँ, ये कैसी आपकी दया है? माँ, महादेव, आपने छल किया है हमारे साथ। माता आदि शक्ति के प्रभाव से पार नहीं पा सके तो आपने हमें श्राप दे दिया। नहीं, ये उचित नहीं है। रक्षा कीजिए माँ, आपने वचन दिया था माँ। मुझे अपने वरदान की मर्यादा का मान रखने के लिए कुछ करना ही होगा। स्वामी, 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 दारुका, मैं मर जाऊंगा क्या? मेरी मृत्यु हो जाएगी दारुका। नहीं, मेरी भक्त बार बार मुझे पुकार रही थी किंतु मैं दुविधा में पड़ गई थी। अपने ही पति का विरोध कैसे करती मैं? माता, आपके लिए तो भक्ति सर्वोपरि है। अपने पति के लिए भक्त को दिया हुआ वरदान नहीं झुठला सकती आप, अन्यथा कोई भी भक्त आपकी भक्ति क्यों करेगा माँ? माता, मेरी गुहार सुनिए माता, हमारी रक्षा कीजिए माता। स्वामी, 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 स्वामी।
कीजिए। महादेव, माता अब यहाँ से हम बाहर निकलेंगे तो देवता हमारा वध कर देंगे और यहाँ हम महादेव के श्राप के कारण नहीं रह सकते माता, और इस प्रकार तो हमारा पूरा वंश और पूरा असुर समुदाय ही नष्ट हो जाएगा माता। ऐसा ही था तो हमें जीवन क्यों दिया माता? स्वामी, मैंने अपने भक्त को वरदान दिया, उसे ये वन प्रदान किया और आपने अपने ही शब्दों से इस वरदान को ही बांध दिया, ये क्या उचित है महादेव? धर्म की रक्षा हेतु यही उचित। तो वही धर्म मुझे भी अपना वचन रखने के लिए प्रेरित करता है। धर्म के अनुसार मैं भी दारुका और उसके पति की रक्षा करने के लिए विवश हूँ स्वामी। अपने धर्म का पालन करने, इन असुरों की रक्षा करने हेतु क्या करेंगे आप प्रिय? क्योंकि मैं तो अपने दायित्व से मुख नहीं मोड़ सकता। देवादि देव होने के नाते मेरा हस्तक्षेप अवश्य अवश्य नष्ट करूंगा इन्हें मैं। मैं ये वचन देती हूं दारुका, तुम्हारा वंश और असुर समुदाय सृष्टि के अंत तक यहां सुरक्षित रहेंगे। ऐसा वचन कैसे दे सकती हैं आप देवी? ये कैसे संभव है जो मैं कह चुका हूं कि मात्र सात्विक और शिव भक्त यहां विचरण करेंगे? और मेरा वरदान नाथ, मैंने दारुका और उसके असुर समुदाय को यहां सुरक्षित रहने का वरदान दिया है, और आपका वरदान मेरे वरदान में बाधक बन रहा है। यही आपका मत है तो आप अपने वरदान की रक्षा कीजिए और मैं अपना वरदान पूर्ण करूंगा। स्वामी, तो क्या आपकी इच्छा है कि मेरा और आपका टकराव? नहीं, मैं मात्र अपने वरदान की रक्षा करना चाहता हूं, जिसके लिए मुझे कोई भी संघर्ष स्वीकार है। माँ आदिशक्ति और पिताश्री के मध्य ऐसा भीषण द्वंद उत्पन्न हो गया। इस द्वंद का अर्थ क्या सृष्टि का सर्वनाश था माता? ये तो मेरी समझ के परे है माता, अभी तो सृष्टि का आरंभ ही हुआ था, और आपने अपने भक्त की रक्षा के लिए जो किया कि उसके लिए इतना बड़ा मूल्य चुकाना, संपूर्ण रचना को संकट में डालना, ये उचित था माता? माता, आपके और पिताश्री के मध्य ये द्वंद ब्रह्मांड की दो सर्वोच्च शक्तियों के विनाशकारी टकराव का अर्थ तो सृष्टि का सर्वनाश है। सृष्टि ना रहे तो आपके भक्त कहाँ रहेंगे माता? उचित कहा तूने गणेश, किंतु उस समय महादेव और मेरा क्रोध अपने चरम पर था। अपने भक्त की रक्षा हमारा धर्म,
हमारा कर्तव्य और हमारा एकमात्र सत्य था, और हम दोनों ही अपने अपने सत्य पर अड़े थे। क्या हुआ देवी, जब आपने निर्णय ले ही लिया, आपका भक्त मुझसे ज्यादा महत्व रखता है, जिसके लिए आप मुझसे युद्ध करने के लिए तत्पर हैं, तो अब इतना विचार क्यों? मुझ पे प्रहार कीजिए। अपने निर्णय पर तो आप अटल रहे हैं स्वामी, निरंतर मेरी विनती अनसुनी कर इस द्वंद का आरंभ तो आप ही ने किया है स्वामी। जब अपने कथन से मेरे भक्त को उसके अधिकार से वंचित कर आपने ये भी स्पष्ट कर दिया कि आपके लिए मेरे वरदान का कोई मूल्य नहीं, मुझे मेरे भक्त को दिए गए वरदान की मर्यादा की रक्षा के लिए इस संघर्ष के सिवाय कोई उपाय छोड़ा ही कहां है आपने स्वामी? ये क्या हो रहा है? महादेव और माँ आदिशक्ति का वाक युद्ध तो अब वास्तविक युद्ध में परिवर्तित होने जा रहा है, और इस अनर्थकारी युद्ध के कारण हम हैं। ये क्या हो गया हमसे? कष्ट में भी आनंदित हो गया हूँ मैं ये दृश्य देखकर। वाह, मेरी पत्नी और मेरा इतना प्रभाव है देवी आदिशक्ति पर कि हमारे कारण वो महादेव से युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो गई। महादेव, माँ आदिशक्ति, आप ये क्या करने जा रहे हैं? स्वयं को संयत कीजिए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आपके मध्य युद्ध हुआ तो सर्वनाश होगा, सृष्टि नष्ट हो जाएगी। आप जगत जननी है माता, और आप जगत पिता है महादेव, इसलिए सृष्टि की रक्षा के लिए कृपया शांत हो जाइए। शांत हो जाइए प्रभु, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए माता, शांत हो जाइए। वहां उपस्थित सभी मनुष्य अपने कष्ट भूलकर हमसे गुहार लगा रहे थे, मुझसे और महादेव से विनती कर रहे थे, और मैं उनकी गुहार सुनकर असमंजस में डूबती जा रही थी। एक और तो मैं एक स्त्री थी, एक पत्नी थी, जो अपने पति के विरोध जाने के लिए विवश हो रही थी, किंतु दूसरी ही ओर मैं अपने भक्तों के लिए माँ भी थी, और जगत जननी होने के कारण जगत का विनाश होते हुए नहीं देख सकती थी। इन सभी दायित्वों का अंतर्बोध मुझे व्याकुल कर रहा था। अपने ही आधार को कोई क्षति कैसे पहुंचा सकता है भला? इसीलिए स्वामी, जो मेरे जीवन का आधार है, उन पर वार करने के विचार से ही मेरे हाथ कंपित हो उठे थे। किंतु माँ के जीवन का सबसे बड़ा आधार तो उनकी संतान ही होती। अपनी संतानों की सुरक्षा के विचार में मेरी निश्चय को दृढ़ता और मेरे हाथों को स्थिरता दी। मैं असमंजस में थी, क्रोधित थी, द्रवित भी थी। प्रिय, आपके अनुसार मैं अनुचित कर रहा हूँ तब और प्रतीक्षा का कोई अर्थ नहीं। आराम कीजिए युद्ध, या कदाचित आप चाहती हैं प्रथम वार मैं करूं? स्वामी, आप ही कीजिए प्रथम वार, द्वितीय वार और अंतिम बार, और क्यों ना समस्त प्रहार आप ही कीजिए स्वामी। मैं ही करूं वार, अर्थात आप मेरे स्वामी हैं नाथ, इसीलिए मेरे हाथ आप पर वार करने, आपको क्षति पहुंचाने कदापि नहीं उठ सकते। ये क्या कह रही है माता? वो वार नहीं करेंगे तो युद्ध ही नहीं होगा, महादेव की इच्छा पूर्ण होगी, हमारा अंत हो जाएगा। किंतु माँ, अगर आप वार नहीं करेंगी तो? मैं आप पर वार नहीं करूंगी स्वामी, किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि मैं अपने भक्तों की रक्षा भी नहीं करूंगी। मैं उनके समक्ष उनका कवच बनकर रहूंगी। यदि आप उन तक पहुंचना चाहते हैं तो आप मुझे भेद कर
मुझे नष्ट कर उन तक पहुंचेंगे। अब ये कैसी युक्ति है आपकी? युक्ति नहीं स्वामी, ये प्रेम है एक स्त्री का अपने प्राणनाथ के प्रति। इतनी कोमल हृदय मत बनिए, जो निर्णय लिया है उस पर स्थिर रहें। मैं तो अपने स्थान पर स्थिर हूँ स्वामी, किंतु मुझ पर वार करने का संकोच तो आपको हो रहा है नाथ, इसीलिए कोमलता का प्रभाव तो आप दर्शा रहे हैं। प्रिय, मुझे उत्तेजित मत कीजिए, अन्यथा मेरे हाथ से एक बार मेरा त्रिशूल चल गया तो उसका परिणाम क्या है आपको? आपके त्रिशूल का प्रहार तो सहर्ष स्वीकार करूंगी मैं स्वामी, ये तो मेरा परम सौभाग्य है नाथ। देवी, इसके पूर्व की बहुत विलंब हो जाए, मैं अपना नियंत्रण खो बैठूं, हट जाइए मेरे मार्ग से। स्वामी, स्वामी। वचन की रक्षा स्वयं के निजी स्वार्थ से भी सर्वोपरि है, यही संदेश भगवान अपनी लीला के माध्यम से देते हैं। माता, देवी छिन्नमस्ता के रूप में आपका प्रकट होना क्यों आवश्यक था? एकाक्ष अत्यंत कुटिल और दुष्ट असुर था एकाक्ष। मेरे असुरों, अब हम स्वर्ग लोक पर विजय प्राप्त करेंगे। इस हफ्ते की कहानी में देखिए क्यों लेना पड़ा माँ आदिशक्ति को छिन्नमस्तिका का अवतार।